सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को, और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवधेश चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स। तो बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018-19 के बारे में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ और इस भर्ती से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके पास जरूर होनी चाहिए उस इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको इससे रिलेटेड पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, बात करें एसएससी जीडी कांस्टेबल 2018-19 के रिजल्ट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इसका रिजल्ट जो जारी होना था वो होना था 31 मई 2019 को। 31 मई 2019 की जो डेट थी पहले से ही अनाउंस कर दी गई थी, यानी वो डेट जो थी टेंटेटिव थी, यानी संभावित डेट थी, कन्फर्म डेट नहीं थी कि कन्फर्म 31 मई को ही आएगा। लेकिन जितना लग रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम जितने वो रिजल्ट थे जो टेंटेटिव डेट थी उसी डेट को सभी रिजल्ट अनाउंस कर दिए गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने चेंजेस किया है कि आपका जो रिजल्ट होगा अब वो 21 जून को आपका जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे 21 जून की बात की गई है कि 21 जून को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इतना श्योर है कि 21 जून तक आपका रिजल्ट डेफिनेटली श्योर जारी कर दिया जाएगा। 21 जून तक, 21 जून को ही नहीं, 21 जून तक, उससे पहले भी पॉसिबल है अगर उनके पास पूरा डाटा या उनका जो भी काम है वो ख़त्म हो पाया तो पहले भी वो इस रिजल्ट को जारी कर सकते हैं। तो इसलिए 21 जून से पहले कभी भी आपका रिजल्ट अनाउंस किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए ये निकल के आती है। आप सभी को पता होगा, इससे पहले भी मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई थी और उसमें मैंने बताया था इसकी पीएससी डेट के बारे में कि आपका जो फिजिकल होगा वो फिजिकल आपका कब करवाया जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि आपका जो फिजिकल होगा लगभग मिड जुलाई में जाके स्टार्ट होगा। लेकिन उस चीज़ का बहुत सारे लोग अपोज कर रहे थे और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं, मैं गलत बता रहा हूँ, 15 जून से इसका फिजिकल स्टार्ट होगा। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार अब मुझे उस चीज़ का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मैं आपको बोलता हूँ, किसी फैक्ट की वजह से बोलता हूँ, किसी रियलिटी की वजह से बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता था और मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसमें जो आपका फिजिकल होगा, फिजिकल आपका जुलाई में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, मिड जुलाई के आसपास आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। दो चार दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मिड जुलाई में आपका फिजिकल होना है। तो देखिए ये चीज़ आपके सामने निकल के आ गई। अब मुझे लगता है कि कोई 15 जून वाला बंदा जो मिड जून का बोल रहे थे कि मिड जून में आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, अब कोई भी बंदा सामने नहीं आएगा। इसके साथ ही अब एक दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ, कट ऑफ को लेकर जो प्रॉब्लम जो क्रिएट की गई है, जो एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं फिर आप सभी को बोल रहा हूँ, हालांकि ये निर्णय आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस चीज़ को कैसे ट्रीट करते हैं और आपको करना क्या है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली फ्यूचर तो आप ही का है, आप ही के हाथ में, और आप जो चाहेंगे वही करेंगे। तो सिंपल सी बात यह है, लेकिन मेरा वो हक बनता है या कुछ भी मान लीजिए काम बनता है कि मैं आपको ये सजेशन दूं। तो मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि कट ऑफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस मत होइए कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाएगी। बार बार मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ तो उसका कुछ खास रीज़न है। आप सभी को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि जो चीज़ें मेरे द्वारा कही गई थी, जो बातें आपको बताई गई थी, वो एकदम फैक्ट और रियलिटी है। तो इस टाइम आप अपनी कट ऑफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना देते हुए, ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए सिर्फ अपनी तैयारी करें फिजिकल की। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इतना जो आपको टाइम मिल रहा है वो बहुत अच्छा टाइम है फिजिकल के लिए, अदरवाइज़ आपको पछताना पड़ेगा अगर आप बहुत सारे लोगों की बातों में आ जाते हैं कि कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई जाएगी और उतनी ज़्यादा हाई जाएगी। तो आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से निकाल देंगे। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मात्र पर्पज़ है कि आपकी जो तैयारी है वो किसी भी प्रकार से रुकनी नहीं चाहिए, और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी रुकेगी भी नहीं और आप अपनी तैयारी कंटिन्यू अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ यार आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी को मैं अपना भाई बोलता हूं और भाई ही मानता हूं, तो इसलिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। फिजिकल की कट ऑफ क्या होगी इस चीज़ को, ये सभी के सामने आ जाएगी, आज नहीं तो 10-20 दिन बाद सभी के सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल आप अपने फिजिकल की तैयारी को मत रोकिए, फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखिए। आई एम श्योर कि आपकी जो कट ऑफ होगी बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी और ये चीज़ सभी के सामने बहुत जल्दी आ जाएगी, और उस टाइम कोई भी बंदा बोलने वाला नहीं होगा। जिस प्रकार से अभी कोई 15 जून को फिजिकल की जो डेट बता रहे थे
वो लोग अभी सामने नहीं आएंगे, क्योंकि जब से बहुत लोग 15 जून बोल रहे थे, जब भी मैंने कहा कि आपकी जो मिड जुलाई में फिजिकल आपके स्टार्ट हो जाएंगे, 15 जुलाई के लगभग आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे, उसके बाद आपके फिजिकल चालू हो जाएंगे, लेकिन उस चीज़ का भी बहुत लोगों ने अपोज किया और गलती मतलब निकाला, बोला नहीं ये सारी इन्फॉर्मेशन गलत है और 15 जून से डेफिनेटली आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, सभी को पता चल गया। तो इसीलिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा सीरियस लें और अपने देखो सिंपल सी बात समझो, इस चीज़ में मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। और सबसे मेन बात ये है, अगर आप अपने फिजिकल की तैयारी करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट है आप ही का है, आज नहीं तो कल आपको तो फिजिकल की तैयारी करनी है। अगर इन केस मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है और अगर आप फिजिकल में फेल हो गए अपनी वजह से, आपने तैयारी नहीं की और फिजिकल में फेल हो गए, तो भाई पूरी लाइफ सिर्फ पछताते रहोगे। ये बहुत अच्छा चांस है, जब कभी भी किसी भी भर्ती में बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं तो उसकी कट ऑफ में हर चीज़ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये कभी भी किसी भी भर्ती को उठा के देख लेना, जब भी किसी एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज होता है या किसी का सिलेक्शन प्रोसेस चेंज होता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंजेस देखने को मिलते हैं और उसका फ़ायदा सीधा मिलता है कैंडिडेट को। जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं उस चीज़ का बेनिफिट उठाते हैं और टाइम पे उसी के तरीके से काम करके वो वहाँ से सिलेक्शन निकाल के ले जाते हैं। बार बार मैं इस चीज़ को आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ कि कट ऑफ आपकी हाई नहीं जाएगी, कट ऑफ आपकी हाई नहीं जाएगी। तो भाई कुछ रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है, उस चीज़ को मैं एनालाइज करके आपको फैक्ट आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे में देखिए बात ये आ जाती है कि हम इतने ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं उस चीज़ को लेके, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि नहीं कहीं ज़्यादा कट ऑफ ना चली जाए, मेरा सिलेक्शन ना हो, तो उससे फिर मैं आपको बोल रहा हूँ लॉस क्या होने वाला है। मुझे एक लॉस बता दीजिए कि अगर हम फिजिकल की तैयारी करते हैं अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा ये लॉस होगा। मुझे नहीं लगता किसी का भी कोई भी लॉस होगा, जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं हमें वही काम करना चाहिए। इतने लंबे चौड़े लेक्चर में दे रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोग बोर हो रहे हों, बट आई डोंट केयर अबाउट दिस के कौन बोर हो रहा है, किसे बुरा लग रहा है, किसी की कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह है अगर मेरी वजह से किसी एक बंदे को भी सिलेक्शन मिलता है तो मेरे लिए वो सफिशियंट होगा। मैं फिर बता रहा हूँ देखो, ना तो मेरा कोई कुछ जाने वाला, ना आपका, नहीं सॉरी मैं कह सकता हूँ ना मेरा कुछ जाने वाला ना किसी और यूट्यूबर का जाने वाला। अगर लॉस होगा तो आपका होगा, इसलिए देखो इस चीज़ को समझो। हमारा जो काम है हम कर रहे हैं, सभी लोग अपने तरीके से अपना काम परफेक्ट करते हैं। अगर मैं बता रहा हूँ तो मैं अपने तरीके से परफेक्ट बता रहा हूँ, दूसरा बंदा बता रहा है तो वो भी अपने तरीके से परफेक्ट बता रहे हैं, लेकिन आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा परफेक्ट है, कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको करनी चाहिए। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको राइट ट्रैक पे ले जाऊँ और आपको ऐसी चीज़ों से बचा दूँ। देखो एक चीज़ होती है लाइफ में, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों से एक अलग होती है, वो होता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है लाइफ में। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से इस भर्ती प्रक्रिया वगैरह में से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस ना मिलने की वजह से भी बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं और हमें पता ही नहीं चल पाता कि हम किस ट्रैक पर रहकर काम करें और हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए बार बार मैं आप सभी को बता रहा हूँ, एसएससी जीडी कांस्टेबल में बहुत ज़्यादा हेयर बदल आपको देखने के लिए मिलेगा। सॉरी, अगर आप फिजिकल के लिए अगर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली अभी से अपने फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। दिमाग से सिर्फ एक चीज़ को निकाल दीजिए कि इसकी जो कट ऑफ होगी, कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ जो भी रहेगी आप सभी के सामने आ जाएगी बहुत जल्दी, और इस चीज़ को लेकर आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मैं फिर बता रहा हूँ, कट ऑफ जो होगी, हालांकि मैं पहले ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना के बता चुका हूँ, फिर मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जो आपकी कट ऑफ होगी लास्ट ईयर, जो आपकी मेडिकल के लिए कट ऑफ थी फर्स्ट वाली, उससे 110% कम रहेगी। दुनिया 100 बोलती है, मैं 110% बोल रहा हूँ, उसका भी कोई रीज़न है, गारंटी देता हूँ, देख लेना, आप सभी के सामने होगा, उससे कम ही कट ऑफ रहेगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, आप सभी के सामने आ जाएगा। हो सकता है फाइनल मेरिट हाइक कर जाए, फाइनल मेरिट के लिए अभी आपको नहीं सोचना है, अभी आपको सोचना है फिजिकल की कट ऑफ के लिए। तो वही फिजिकल की कट ऑफ के लिए तैयारी करिए, फिजिकल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, चाहे यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, किसी भी राज्य की बात कर लो आप, लास्ट ईयर की कट ऑफ उठा लेना जो कि मेडिकल के लिए गई थी, उससे एक बार मैच कर लेना। अगर आपके उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी बात, फिर आपको साथ में पता ही है, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे है ही है, और नॉर्मलाइजेशन में किसे कितने मार्क्स मिलेंगे किसी को नहीं पता, हालांकि 10 से 12 से ज़्यादा मार्क्स किसी को नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ
किसी का भी सिलेक्शन हो सकता है, किसी का भी। इस चीज़ को आप सीरियसली समझियो। और मैं जितनी सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, इतने लंबे चौड़े लेक्चर दे रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोग परेशान हो रहे होंगे, लेकिन भाई मेरी बात को थोड़ा सा सीरियस लो प्लीज़। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस चीज़ को समझिएगा और फिजिकल की तैयारी पर बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, अच्छे से तैयारी करिए। अभी फिलहाल कट ऑफ की बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी, नॉट ए सिंगल डाउट नहीं बचा होगा। और अभी आप फिजिकल की तैयारी डेफिनेटली श्योर करना स्टार्ट कर देंगे अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं की है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।